दर्शकों, पल पल में आप सभी का स्वागत है। सिरसा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली सफल रही। रैली के आयोजन में सभी भाजपा के नेताओं ने अपना पूर्ण योगदान दिया, लेकिन इस रैली के बाद कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, खासकर राजनीति से जुड़ी हुई, और उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ है पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, रैली भारतीय जनता पार्टी की थी, उस रैली में आजाद विधायक रणजीत सिंह जी, क्योंकि वो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, वो मंच पर गए, लेकिन सिरसा से विधायक गोपाल कांडा, जो हलोपा के अध्यक्ष भी हैं, वो रैली के मंच पर नहीं गए, ये चर्चा चल रही है। लेकिन इससे भी बड़ी एक और चर्चा है, और वो यह है कि भारतीय जननायक जनता पार्टी JJP के नेता मीनू बेनीवाल, जो अक्सर एलनाबाद हलके में एक्टिव हैं, JJP की पार्टियों की नीतियों की वो प्रचार भी कर रहे हैं, उन्होंने रैली के अंदर अपनी क्षमता के अनुसार भीड़ को भेजकर एक तरह से कई तरह के संदेश दिए। तो मीनू बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की रैली के अंदर जो भीड़ जुटाई, उसके क्या राजनीतिक मायने माने? ऐसा है कमल जी, ये जब से अमित शाह जी की रैली सिरसा में रखी गई थी, उसमें यह चर्चा जोरों पर थी कि 18 जून की रैली में मीनू बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। वो शामिल नहीं हुए, वो क्यों नहीं शामिल हुए उसके बारे में वो ही बताएंगे। लेकिन जो राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा है, उसमें ये मानना है कि उन्होंने इस रैली के लिए भीड़ जुटाकर भारतीय जनता पार्टी को यह संदेश दिया है कि इलाहाबाद क्षेत्र के लोग उसके साथ हैं। उसके साथ क्यों आए? वो JJP के माध्यम से, वह व्यक्तिगत कोष से। उन्होंने पिछले लगभग 2 वर्षों से करोड़ों रुपए उन्होंने ग्रांट के रूप में अपनी व्यक्तिगत कोष से गौशालाओं को पैसे दिए हैं, खास तौर पे हर गांव की गौशाला के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं, कुछ और विकास कार्यों के लिए भी पैसे दिए हैं। तो ऐसे में वो अपना सामाजिक सेवा के माध्यम से अपना एक आधार उन्होंने तैयार कर लिया है, और उसी आधार के माध्यम से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये संदेश दिया है कि उनके पास इलाहाबाद में एक समर्थकों का ग्रुप पैदा हो गया है, और उनको उन्होंने उस रैली में भेजा। सर, जैसा कि आपने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो क्यों नहीं हुए, इसके पीछे वही जानते हैं, लेकिन चर्चा यही है कि वो जल्द ही कोई एक रैली करेंगे इलाहाबाद हलके में, और शायद उसमें भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े लीडर को बुला करके वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी कोई संभावना नजर आती नहीं है? ऐसा चर्चाएं हैं, क्योंकि सिरसा रैली, अगर सिरसा रैली में वो शामिल होते तो सिरसा रैली पे, जैसा कि हम पहले भी बात बता चुके हैं, पहले भी बात कर चुके हैं, सिरसा रैली पे 4 लोगों का क्लेम है जी। मीनू बेनीवाल ने भीड़ भेजी, उसके अलावा चौधरी रणजीत सिंह का दावा है कि उनकी भीड़ सबसे ज्यादा आई जी, फिर कांडा बंधुओं की भीड़ आई, और फिर भारतीय जनता पार्टी का अपना आधार है, जो सत्ता में होते हैं उनके साथ अपने लोग होते हैं, तो उनके लोग भी आए। तो इस रैली में चार तरह के लोग आए, तो शायद मीनू बेनीवाल के दिमाग में यह बात है कि वो अकेले में इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में, अकेले में नाथूसरी चोपटा में अथवा इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में ये 2 ऐसे जो सेंटर प्लेस हैं, एक इलाहाबाद शहर है और उसके साथ नाथूसरी है। तो वो ऐसा लगता है भी जल्द ही, क्योंकि उनको अगर किसी राजनीतिक दल में शामिल होना है, और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है, तो उनको संसदीय चुनाव से पहले अपनी क्षमता को दिखाना होगा, और वो ऐसा लगता है वो जल्द ही अपनी अलग से रैली करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इसलिए उन्होंने एक ट्रायल के तौर पे वहाँ भीड़ भेजी, और उन्होंने वहाँ पे चोपटा में इकट्ठी की लोगों को जी, हजारों लोगों को इकट्ठा किया, वो सिरसा तक उनके साथ आए, रैली से वो वापिस चले गए, मंच पे नहीं आए। सर, एक आखिरी सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और JJP मिलकर लड़े, और जो इलाहाबाद हलका है वो सीट मीनू बेनीवाल को JJP के माध्यम से मिल जाए? ऐसा है, ऐसी जो समाचार हैं, क्योंकि जैसा कि दिग्विजय सिंह उनके खिलाफ कुछ कह चुके हैं जी,
ऐसा लगता है भी उनमें जेजेपी में मनमुटाव है, राजनीति में फिर ये मनमुटाव खत्म हो जाए, कोई इसके पता नहीं लगता, क्योंकि संभावनाएं अभी यही दिखाई देती हैं। जेजेपी चुनाव अलग लड़ेगी, वो तैयारी भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव अलग लड़ेगी, लेकिन कई बार अगर इकट्ठे भी लड़ते हैं, एक पुराना किस्सा मैं किसी दिन आपको बताऊंगा, वो लंबा किस्सा है। इनेलो के खाते में एक नेता होते से किशन सिंह सागवान, भारतीय जनता पार्टी को सोनीपत की वो टिकट मांग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको वो टिकट नहीं दी, लेकिन अपना नेता दे दिया किशन सिंह सागवान, जो वहां से दो बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने। तो कई बार नेता भी दे दिए जाते हैं दूसरी पार्टी, सहयोगी पार्टी को, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अभी तक संभावनाएं यही है कि मीनू बेनीवाल अपनी अलग से शक्ति दिखाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो दर्शकों, यह थी रैली से जुड़ी हुई नई अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाई है। इस पर और जो भी कोई खबर होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहे पल पल। धन्यवाद। नमस्कार।